हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बाइनरी अरिथमेटिक। बाइनरी अरिथमेटिक क्या आता है कि जैसे कि अब पीछे हमने पढ़ा है कि नंबर्स को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, अब ये है कि बाइनरी नंबर्स को हम कैसे ऑपरेट करते हैं कि अलग अलग फॉर्म्स में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस जो होते हैं वो होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो इसमें भी डिफरेंट ऑपरेशंस आ गए, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन। अब इसको वन बाय वन कैसे परफॉर्म करना है वो हम करते हैं। फर्स्ट है बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन में क्या होता है कि वही बाइनरी नंबर्स कौन से, जीरो एंड वन, कि दो नंबर्स को आपस में बाइनरी नंबर्स को ऐड करना। ठीक है, तो मतलब कोई भी एडिशन करने के लिए हमें दो नंबर्स तो कम से कम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा थ्री फोर जितने मर्जी हो सकते हैं, पर एटलीस्ट टू नंबर्स तो होने चाहिए। ठीक है, तो नंबर्स किस में होने चाहिए, इन बाइनरी फॉर्म में। तो टू नंबर्स बनाने के लिए तो हम देख लेते हैं कि टू बिट्स में बना लेते हैं। टू बिट्स में तो टू रेज टू पावर एन, तो बिट्स को काउंट करने के लिए कि उसमें कितने नंबर्स होते हैं, तो हमने बोला टू बिट्स में बनाना है, तो टू रेज टू पावर टू इज इक्वल टू फोर। तो फोर में कितने नंबर्स आ गए, जीरो वन टू एंड थ्री। ठीक है, अब दो मतलब तीन तक नंबर्स हमारे इसमें आ जाएंगे बाइनरी एडिशन में। तो इसका साथ साथ एक टेबल बना लेते हैं। टेबल होता है नंबर्स, कि नंबर्स दो तरह के नंबर्स तो होने चाहिए। उसके बाद है रिजल्ट, कि रिजल्ट में क्या आता है। अब ये देखो कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए मैंने बोला कौन से नंबर्स होने चाहिए, जीरो से लेके तीन तक नंबर्स आएंगे टू बिट्स में। ये टू बिट्स होगी, जीरो जीरो, जीरो का बाइनरी बिट आता है जीरो जीरो, वन का जीरो वन, टू का वन जीरो एंड थ्री का वन वन। अब इनको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए देखो जीरो प्लस जीरो को ऐड करेंगे तो क्या आता है, जीरो। जीरो प्लस वन को ऐड करेंगे तो क्या आता है, वन। सिंपल है, वन प्लस जीरो को ऐड करेंगे तो क्या आता है, वन। पर वन प्लस वन को ऐड करेंगे तो इन बाइनरी फॉर्म, बाइनरी फॉर्म तो जीरो वन अकॉर्डिंग में ही होती है, तो वन प्लस वन ऐसे तो टू होता है, पर अगर बाइनरी में करना हो तो टू का बाइनरी नंबर क्या होगा, वन जीरो। तो जीरो हमारा रिजल्ट है एंड वन इज अ कैरी। वो कैसे, कि अगर जैसे हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं, फिफ्टीन प्लस एट, अब फिफ्टीन प्लस एट किया, ठीक है, फाइव प्लस एट कितना आता है, थर्टीन, थ्री आ गया, वन इज अ कैरी। तो थ्री क्या हमारा सम, हम सम कर रहे हैं, और उसके बाद ऊपर क्या चला गया, कैरी। तो रिजल्ट में क्या आता है हमारे पास, सम एंड कैरी, वन प्लस वन टू, ये पूरा हमारा रिजल्ट बन जाता है। दूसरा क्या आता है, कैरी, जो नेक्स्ट बिट में एड ऑन हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह अब देखो वन प्लस वन क्या आ गया, वन जीरो। वन जीरो को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देखें तो टू ही आएगा, ऐसे टू रेस्ट पर जीरो, टू रेस्ट पर वन, टू रेस्ट पर जीरो कितना होता है वन, एंड टू रेस्ट पर वन क्या, टू, वन इंटू जीरो जीरो, एंड टू इंटू वन टू, तो टू आ गया। तो ऐसे ही अब देखो कि इसी रूल्स के अकॉर्डिंग जीरो प्लस जीरो कितना आ गया, जीरो, जीरो प्लस, और इसमें कोई कैरी आया, नो कैरी, जीरो प्लस वन वन, नो कैरी, वन प्लस जीरो वन, नो कैरी, वन प्लस वन, मैंने क्या बोला, वन प्लस वन में, वन प्लस वन में ये जीरो हो गया, जीरो इज द रिजल्ट एंड वन इज अ कैरी। ये था हमारा टेबल एडिशन का। ठीक है, इसी रूल्स के अकॉर्डिंग हमने आगे काम करना। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है वन जीरो वन वन, जीरो जीरो वन वन, इन दो नंबर्स को आपस में ऐड करना, तो क्या करेंगे, वही वन प्लस वन क्या आता है, वन जीरो, मतलब जीरो इज अ रिजल्ट एंड वन इज अ कैरी। ये आ गया, अब वन इज अ कैरी आ गया। अब देखो थ्री टाइम वंस हो गया, तो इसमें भी एक रूल है, टू टाइम वंस क्या क्या आता है, वन जीरो, जीरो इज अ रिजल्ट एंड वन इज अ कैरी। तो ये रूल्स हम पढ़ लेते हैं। पहले वन प्लस वन का आता है वन जीरो, दैट इज जीरो इज रिजल्ट एंड वन इज
कैरी। ऐसे थ्री टाइम वंस आ जाए तो क्या होगा, जीरो रिजल्ट है, तो जीरो में वन एक और ऐड हो गया तो क्या आ गया वन, तो वन ऑलरेडी कैरी है तो वन, दैट इज वन इज रिजल्ट एंड वन इज कैरी। ऐसे फोर टाइम वंस आ जाए तो फोर टाइम वंस में, थ्री टाइम वंस में क्या आ गया वन वन आ गया, वन इज अ रिजल्ट, वन इज अ रिजल्ट में क्या आ गया वन इज अ वन प्लस वन कर लेंगे तो क्या आ जाता है जीरो, और एक कैरी आ जाता है, तो मतलब एक कैरी उसका ऑलरेडी था और दूसरा कैरी एक और ऐड हो गया, दैट इज वन वन जीरो, जीरो इज रिजल्ट एंड वन इज फर्स्ट कैरी एंड अदर वन इज सेकेंड कैरी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, वही थ्री टाइम वंस आ गया तो क्या आ गया वन वन, मतलब वन इज अ रिजल्ट एंड वन इज अ कैरी, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस जीरो वन एंड वन प्लस जीरो वन, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें फोर टाइम वंस का हम यूज करके देख लेते हैं कैसे करना। जैसे ये नंबर ले लिया, अब इसको करते हैं जीरो प्लस जीरो जीरो प्लस जीरो जीरो, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन जीरो वन, वन इज अ कैरी एंड जीरो इज अ रिजल्ट। अब वन प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन जीरो वन एंड थ्री टाइम वंस का क्या था वन वन, मतलब वन इज अ रिजल्ट एंड वन इज अ कैरी। अब देखो फोर टाइम वंस आ गया, फोर टाइम वंस का क्या रूल था वन वन जीरो, मतलब वन प्लस वन क्या आता है जीरो, वन इज अ कैरी, फिर जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन जीरो एंड वन इज अ अदर कैरी, इसमें टू टाइम्स कैरी आ जाएगा। यही था, जीरो इज अ रिजल्ट, वन इज अ फर्स्ट कैरी, अदर वन इज अ सेकेंड कैरी। अब इनको एड ऑन करते हैं, वन टू थ्री, तीन थ्री वंस आ गए तो क्या आ गया वन इज अ रिजल्ट एंड वन इज अ कैरी, इसमें फिर से फोर टाइम वंस आ गया तो फोर टाइम वंस में जीरो इज अ रिजल्ट, वन इज अ वन कैरी एंड अदर वन इज अ अदर कैरी, तो थ्री टाइम वंस आ गया वन, इसमें भी वन वन, वन इज अ रिजल्ट, वन इज अ कैरी, वन प्लस वन, वन प्लस वन में क्या आता है जीरो एंड वन इज अ कैरी, वो इधर आ गया। ये था आपका सॉल्यूशन, ये है बाइनरी एडिशन। नेक्स्ट है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में भी वैसे ही सेम वैसे ही करना है, इसके भी वही रूल्स है कि दो नंबर्स के बीच में ही कम से कम दो नंबर्स होंगे तभी हम सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। तो बाइनरी नंबर में करेंगे तो जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस वन। ये देखो अब हमारे पास जैसे कि कोई रूल आ जाता है कि 25 माइनस 18, ठीक है 25 माइनस 18 करेंगे तो 5 तो छोटा 8 से, तो क्या करते हैं हम किसी चीज से बोरो लेते हैं, इससे बोरो ले लिया तो ये 15 हो गया, 15 में से 8 निकाले तो कितना आ जाता है, 15 में से 8 निकाले तो हमारा आ गया 7। ठीक है, तो इधर कुछ क्या बच गया वन, वन माइनस वन जीरो। तो देखो रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है डिफरेंस, दो चीजों का जो डिफरेंस किया है और अदर इज अ बोरो, कि किसी से हम बोरो ले सकते हैं, ये आता है रिजल्ट। तो मतलब अगर हमने टेबल बनाना है, टेबल में क्या आ गया दो नंबर्स ए और बी, और रिजल्ट में क्या आ जाएगा डिफरेंस एंड बोरो। ठीक है, तो वही चार नंबर, अब हमने टू बिट्स में बना रहे हैं तो टू बिट्स में टू रेस्ट बाय टू फोर हो गया, जीरो से लेके वन टू थ्री, वही सेम पहले लिखते थे जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन। अब जीरो जीरो को माइनस किया तो जीरो, अब जीरो माइनस वन है तो क्या आएगा, जीरो में से वन निकाला तो क्या आता है वन आएगा, पर वन हम किसी और से बोरो भी लेंगे, तो वन माइनस जीरो वन एंड वन माइनस वन ऑलवेज जीरो। अब ये देखो तो इसका रूल अब टेबल बना लेते हैं, जीरो माइनस जीरो जीरो आता है, किसी से बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी, पर जीरो माइनस वन क्या आता है, जीरो माइनस वन आ गया, मैंने क्या बताया वन एंड वन इज अ बोरो, क्योंकि ये देखो जीरो माइनस वन, अब टेन बन गया, टेन माइनस वन
टेन क्या है, ये टेन नहीं है, ये क्या है, बाइनरी नंबर में टू नंबर है। एट रेस टू पावर, टू रेस टू पावर टू, यही हो गया ना, टू रेस टू पावर वन कितना आ गया, टू। तो ये टू माइनस वन कितना आता है, वन। तो टेन माइनस वन मतलब हमने किसी से बोरो लिया, इसलिए बोरो पे वन आ गया, और क्या आ गया, वन। वन माइनस जीरो वन, नो बोरो। वन माइनस वन जीरो, नो बोरो। ये था हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल्स। ठीक है, तो अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। अब इसकी कोई भी एग्जांपल ले लो, वन जीरो वन वन जीरो वन वन जीरो, ये आ गया। अब वन माइनस जीरो कितना आ गया, वन। वन माइनस वन जीरो। अब ये देखो, जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन ये हो गया, तो इससे हमने वन से बोरो ले लिया, तो क्या बन गया, वन जीरो, नॉट अ टेन। ये वन जीरो बना मतलब टू नंबर बन गया। वन जीरो माइनस वन कितना आता है, वन। ठीक है, तो ये यहाँ क्या बच गया, जीरो। जीरो माइनस जीरो जीरो, ये क्या आ गया हमारा आंसर, जीरो वन जीरो वन। ये था बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसके एक क्वेश्चन आ जाता है, सब्ट्रैक्ट थ्री रेस टू पावर, थ्री डेसिमल नंबर है एक, फ्रॉम एट डेसिमल नंबर। मैंने ये बताया था कि फ्रॉम मतलब फ्रॉम के बाद जो आता है नंबर वो बड़ा हो गया, मतलब एट माइनस थ्री करना हमें। तो नॉर्मल नंबर में एट माइनस थ्री क्या आया था, फाइव, पर हमने किस फॉर्म में करना है, इन इधर लिखा होगा, इन बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में करने के लिए क्या आएगा, एट टेन माइनस थ्री टेन करना है। तो पहले हम इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए टू के साथ एलसीएम लेना पड़ेगा। टू फोर का एट होगा, जीरो, कोई रिमाइंडर नहीं आया। टू टू का फोर, नो रिमाइंडर। टू वन का टू, नो रिमाइंडर। टू को मैंने बोला था लास्ट तक हमने जीरो बना रहा था, तो वन इज अ रिमाइंडर। ये आ गया हमारा एट का नंबर, एट का हमारे पास क्या आ गया, वन जीरो 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 बाइनरी नंबर। ऐसे हम थ्री का बना लेते हैं, टू वन का टू, वन इज अ रिमाइंडर, इसको जीरो, वन इज अ रिमाइंडर। ये कर लिया, इसका थ्री का क्या बन गया, वन वन डेसिमल बाइनरी नंबर। अब इन नंबर्स को हमने आपस में एडिशन करनी है, तो अब एट का नंबर क्या बन गया हमारे पास, वन जीरो जीरो। ये देखो, ये फोर बिट है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको भी फोर बिट में बना लेते हैं। फोर बिट में बनाने के लिए क्या करेंगे, आगे जीरो जीरो लगा लेंगे। तो अब इसको माइनस करना है, तो ये आ गया वन जीरो 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 वन वन माइनस, ये हो गया। अब मैंने क्या बोला था, जीरो माइनस वन, तो जीरो माइनस वन के लिए हमें क्या करना है, बोरो लेना पड़ेगा। तो बोरो लेते हम स्टेप स्टेप करते आएंगे, इससे बोरो लिया तो ये बन गया वन जीरो। ठीक है, अब वन जीरो से बोरो लिया, तो वन जीरो से इसको बोरो दिया, तो इधर वन जीरो बन गया, और वन जीरो से बोरो लिया तो क्या बच गया, वन, क्योंकि ये था टू। वन जीरो क्या था, टू, टू बन गया, टू से वन ले लिया तो क्या बन गया, वन। फिर इससे बोरो लिया तो इधर बच गया वन, और ये बन गया वन जीरो। फिर क्या रूल था अकॉर्डिंग, वन जीरो माइनस वन क्या होगा, वन। वन माइनस वन जीरो, वन माइनस जीरो वन, जीरो माइनस जीरो जीरो, ये था हमारा आंसर। अभी भी फिर इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो आ गया हमारा ये बाइनरी नंबर, टू माइनस जीरो जीरो वन वन टू इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो वन जीरो वन। ठीक है, तो इसको चेक करना हो तो कैसे करेंगे, टू रेस टू पार जीरो, टू रेस टू पार वन, टू रेस टू पार टू, टू रेस टू पार थ्री। तो इसको करो सॉल्व, जीरो इंटू टू रेस टू पार थ्री प्लस वन इंटू टू रेस टू पार टू प्लस जीरो इंटू टू रेस टू पार वन प्लस वन इंटू टू रेस टू पार जीरो, जीरो इंटू एट प्लस वन इंटू फोर प्लस जीरो इंटू टू प्लस वन इंटू वन, जीरो इंटू एट जीरो प्लस फोर प्लस जीरो प्लस वन, फोर प्लस वन फाइव। एट माइनस थ्री कितना आता है, अब ये देखो, एट माइन ये था एट का नंबर, ये था, ये एट का था डेसिमल, माइनस थ्री तो कितना आ गया, फाइव। तो चेक करके भी हमारा आंसर सही आया, ये था बाइनरी सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन।
अब बाइनरी मल्टीप्लीकेशन के भी सेम टूल्स हैं, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो जीरो आएगा, वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, वन इंटू वन मल्टीप्लाई करेंगे वन, एंड जीरो इंटू वन मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। ऐसे इसका हमारे पास क्या बन जाएगा, टेबल। नंबर्स आ गए, नंबर्स तो दो ही होने चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, रिजल्ट में सिंपल मल्टीप्लाई आता है, रिजल्ट में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, जिसको हम मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो टू बीट्स का कर रहे हैं तो टू रेस बाय टू फोर, जीरो वन टू थ्री नंबर्स ले लेंगे, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन। ये था मल्टीप्लीकेशन। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल है वन जीरो वन वन मल्टीप्लाई वन जीरो वन, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो वन इंटू वन वन, वन इंटू वन वन, वन इंटू जीरो जीरो टू वन वन। तो क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, फिर एक स्टेप छोड़ देते हैं, इस पर क्रॉस लगा दो या जीरो लगा दो कि इस पर कोई वैल्यू नहीं है, फिर जीरो से जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू वन जीरो टू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, फिर दो स्टेप्स छोड़ देते हैं, फिर वन इंटू वन वन, वन इंटू वन वन टू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन। अब आपस में ऐड करते हैं, तो वन है इस पर कोई वैल्यूज नहीं है तो इधर वन आ जाएगा, वन प्लस जीरो जीरो, इस पर कोई वैल्यू नहीं है, वन प्लस जीरो वन, तो इस पर वन आ जाएगा, इस पर कोई वैल्यू नहीं है, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन जीरो वन, वन इज जीरो इज ए रिजल्ट, वन इज ए कैरी, वन प्लस जीरो वन प्लस जीरो वन, तो ये आ गया वन। ये था हमारा आंसर। इस पर एक और एग्जाम्पल कौन से तरीके से आते हैं वो करते हैं, कि मल्टीप्लाई फाइव बाय थ्री इन बाइनरी फॉर्म। इन बाइनरी फॉर्म नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे फाइव इंटू थ्री तो कितना आता है फिफ्टीन, अब बाइनरी फॉर्म में करनी है तो फाइव को हम बाइनरी फॉर्म में बनाएंगे, वही सेम एलसीएम लेके टू फोर वन टू वन जीरो टू जीरो वन, ये आ गया, तो इसका आ गया वन जीरो वन, ये आ गया फाइव का बाइनरी नंबर। थ्री का बनाएंगे, थ्री का टू वन वन टू जीरो वन, तो थ्री का क्या आ गया वन वन टू, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वन जीरो वन इंटू वन वन, वन इंटू वन वन, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, इसको छोड़ दिया वन इंटू वन वन टू जीरो जीरो, वन इंटू वन 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 जीरो, प्लस कर देते इस पर कोई भी जगह कुछ नहीं है वन, तो वन आ जाएगा, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन वन, ये आ गया, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, मतलब वन जीरो वन टू मल्टीप्लाई वन वन टू का क्या आंसर आया वन वन। अब इसको चेक करके देख लेते हैं कितना आता है, टू रेस टू पार वन, टू रेस पार जीरो, टू रेस टू पार वन, टू रेस पार टू, टू रेस पार थ्री, तो वन इंटू टू रेस टू पार थ्री प्लस वन इंटू टू रेस टू पार टू प्लस वन इंटू टू रेस टू पार वन प्लस वन इंटू टू रेस टू पार जीरो, वन इंटू एट प्लस वन इंटू फोर प्लस वन इंटू टू प्लस वन इंटू वन, एट प्लस फोर प्लस टू प्लस वन, एट प्लस टू फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन, फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन, यही आ गया फाइव इंटू टेन इंटू थ्री, टेन इज इक्वल टू फिफ्टीन, टेन। ये था बाइनरी मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है बाइनरी डिवीजन। अब है बाइनरी डिवीजन, इसके भी रूल्स हैं, जीरो डिवाइडेड बाय जीरो जीरो होता है, वन डिवाइडेड बाय वन वन होता है, जीरो डिवाइडेड बाय वन जीरो होता है, ठीक है, और वन डिवाइडेड बाय जीरो इन्फिनिटी होता है। हमेशा याद रखना समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है इन्फिनिटी, और जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग क्या होता है जीरो, ये रूल्स है। तो इसका टेबल तो कुछ भी नहीं बनाना, नॉर्मल है कि ये तीन स्टेप्स हमने याद रखने हैं। तो इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि इसको डिवाइड करो
वन वन जीरो जीरो को बाय वन जीरो जीरो से, ठीक है। तो नॉर्मल ऐसे डिवाइड करते हैं जीरो से, तो थाउजेंड से डिवाइड करना है, वन थाउजेंड आ गया। तो ये माइनस करते हैं इसको, ये जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो वन, माइनस जीरो वन, ये तो खत्म हो गया, तो ये आ गया जीरो। ऊपर से हमने एक और वैल्यू निकाली जीरो, अब इसको वन से फिर से किया तो ये आ गया। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, वन वन जीरो जीरो डिवाइडेड का वन थाउजेंड से क्या आंसर बनता है, वन वन। ये था हमारा आंसर, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये बस वन 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 जीरो वन जीरो वन, इसको डिवाइड करना, ठीक है। तो ले लेते हैं, इसको भी वन से किया, क्योंकि हम जीरो वन नंबर है तो जीरो वन से ही करेंगे। फर्स्ट स्टेप में तो जितने मर्जी आ जाए, ठीक है। वन जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन आ गया, मतलब इससे हम बोरो ले लेंगे, तो इधर जीरो बन गया। तो वन जीरो माइनस वन वन, जीरो माइनस जीरो जीरो, वन माइनस जीरो वन, वन माइनस वन तो जीरो हो गया। अब हमने ऊपर से एक और नंबर लिया, ये आ गया वन। अब फिर से उससे मल्टीप्लाई किया, वन तो आ गया वन। जब अगली टर्म जीरो आती जाएंगी वो तो खत्म होती गई। अब वन माइनस जीरो, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस जीरो वन, ये दोनों तो खत्म, जीरो माइनस जीरो जीरो हो गया, वन माइनस वन जीरो, खत्म हो गया। तो अगर हम ऊपर से एक नंबर निकालेंगे तो ये थ्री नंबर्स आ गए, इसके साथ नहीं जाएगा, तो हमें दो नंबर उतारने पड़ेंगे। तो जब हम दो नंबर इकट्ठे उतारते हैं तो बीच में क्या लग जाता है, जीरो क्वेश्चन में, ठीक है। अब फिर से वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, तो माइनस किया तो सारा टर्म जीरो। तो हमारा आंसर क्या आ गया, वन वन जीरो वन जीरो वन माइनस वन जीरो जीरो वन, इसका आंसर क्या आ गया, वन वन जीरो वन। ये था बाइनरी डिवीजन, इससे ये टॉपिक खत्म होता है। अब इसके नोट्स हैं, बाइनरी अर्थमेटिक, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन और उसके एग्जांपल्स, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एग्जांपल, बाइनरी डिवीजन, इसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।